स्वागत है आप सभी का ट्रेन योर ब्रेन में। और आज की वीडियो में हम करेंगे आरडी शर्मा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 3। क्वेश्चन में हमें दिया है इफ एडी अपॉन डीवी इज इक्वल्स टू 2/3 एंड एसी इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर फाइंड एई। हमें दिया गया है एडी हमारा है 2 सेंटीमीटर, एडी 2 सेंटीमीटर और डीवी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें एक साइड और दी गई है, एसी हमारे पास है 18 सेंटीमीटर, एसी हमारे पास गिवन है 18 सेंटीमीटर। फाइंड हमें करना है एई, एई हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन वी हैव एडी अपॉन डीवी इज इक्वल्स टू 2/3 एंड डीई पैरेलल बीसी। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन एई बाय बीपीटी। एडी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 3, डीबी की वैल्यू भी गिवन है 2 इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन एई। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 3/2 + 1 इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। एलसीएम लेंगे 2, 3 + 2 इज इक्वल्स टू ए ई, ई सी प्लस ए ई 5/2 इज इक्वल्स टू ई सी प्लस ए ई को हम लिख सकते हैं ए सी, बिकॉज ई सी हमारी ये साइड है, ई सी में जब हम ए ई प्लस करेंगे तो हमारी साइड क्या बन रही है, पूरी ए सी। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ई सी प्लस ए ई की जगह पर हम लिखेंगे ए सी अपॉन ए ई, ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज ए ई प्लस ई सी इज इक्वल्स टू ए सी। नेक्स्ट 5/2 ए सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 18 सेंटीमीटर, 18/ae। इसे और सॉल्व करेंगे तो होगा हमारा ए ई इज इक्वल्स टू 18 × 2/5, ए ई इज इक्वल्स टू 36/5। इसे जब आप और सॉल्व करेंगे तो आएगा ए ई इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि ए ई साइड जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, तो हमारी साइड ए सी है आपकी 7.2 सेंटीमीटर। आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे के क्वेश्चन आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।